हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बताइए कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स मैं हूँ बिल्कुल ठीक, और आप सब लोग भी अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, मैं बहुत ही दिनों बाद आज ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। एक तो बच्चों के एग्ज़ाम चले हुए थे, इसलिए बिज़ी थे। पता है कि मैंने आजकल फील्ड वर्क स्टार्ट किया है साथ साथ में, तो मैं फील्ड पर निकल जाती थी और वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं लगता था, और फिर घर आकर बच्चों के एग्ज़ाम तो फ़ोन उनके पास चला जाता था। तो इसलिए बहुत ही टाइम हो गया है जो ब्लॉग नहीं बनाया मैंने। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं आज एक ब्लॉग बना लेती हूँ छोटा सा। तो देखिए, नवरात्रों की शुरुआत होने वाली है और आज है 30 मार्च, और 2 अप्रैल से नवरात्रे शुरू हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मंदिर की सफाई कर देती हूँ और मंदिर की सफाई का ब्लॉग आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं मंदिर की सफाई। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा यहाँ से सामान हटाकर साइड कर लिया है और अब सफाई कर लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है तो जो मंदिर लगा रहता है उसके पीछे सफाई नहीं हो पाती। तो आज मैंने सोचा कि सारे मंदिर के पर्दे भी धो के रखूँगी और मंदिर की सफाई भी करूँगी। तो चलिए बनाते हैं आज का छोटा सा ब्लॉग। Thank you.
फ्रेंड्स मैंने सारे पर्दे निकाल दिए हैं धोने के लिए और सेटिंग कर दी है अपने मंदिर की, सफाई कर दी है। ये वाला चेंज कर दिया है मैंने, और ये ऑरेंज कलर का, पहले येलो कलर का था, अब ऑरेंज कलर का बिछा दिया है। ये देखिए मंदिर के पर्दे मैंने निकाल दिए हैं और सफाई कर ली है सारी, और अच्छे से मंदिर सजा दिया है। अब मैं पर्दे धोऊंगी और उसके बाद फिर पर्दे लगाऊंगी। ये देखिए मैंने सारे पर्दे निकाल रखे हैं धोने के लिए, तो चलिए अब धुलाई करते हैं। और आज का ब्लॉग बस इतना ही है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।